गाइस कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं बहुत इंटेंस मैच के बारे में, जो कि है हमारा जोरो वर्सेस किंग, जो कि बड़ा ख़तरनाक होने वाला है। अगर आपने ये एपिसोड नहीं देखा तो ये सुनने के बाद ज़रूर देखने जाइएगा। एपिसोड का नंबर है 1062। तो बिना कुछ देरी करे जल्दी से चालू करते हैं। तो सीन के स्टार्टिंग में हमें बहुत इंटेंस मैच से ही स्टार्टिंग मिलती है। जैसे कि हमने अपने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, जोरो और किंग के अंदर एक घमासान फाइट चलती रहती है। बट हमें इस एपिसोड में कुछ नया देखने को मिलता है, वो कि हमारा जो जोरो है इस बार ट्रिक समझ जाता है कि वो कैसे हरा सकता है किंग को। प्लस और वो जान जाता है उसका सबसे वीक पॉइंट कौन सा है। तो वो थोड़ी देर उसके साथ जान के फाइट करता है कि उसे पता चल मतलब एग्जैक्ट कि उसे एग्जैक्ट पता चल जाए कि जो अपना जो किंग है उसका वीक पॉइंट कौन सा है, और उसे अटैक करके उसे हराना होता है। क्योंकि हमारे जोरो के पास ज़्यादा टाइम नहीं रहता है, क्योंकि उसका जो नया फॉर्म है उसने जो जनरेट करा हुआ है, जिसको वो किंग ऑफ हेल बुलाता है, वो ज़्यादा देर के लिए नहीं रहेगा। क्योंकि वो उसने मतलब वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है वो फाइट से, क्योंकि वो फाइट बहुत लंबी चलती है। जैसे तैसे करके हमारा जोरो जैसे तैसे करके एक वीक पॉइंट समझ जाता है, और वो अटैक मतलब जैसे हमारा किंग उसके ऊपर अटैक करने आता है तो वो उसे डॉच करके उसके पीछे चले जाता है, और वो जंप मार के एक हाई जंप मार कर उसे एक अपने ड्रैगन वाले अटैक से मतलब अपने टाइगर वाले अटैक से उसे मारता है। बट हमारा जो किंग है उसे लाइट ले लेता है, और जैसे साइट होने को जाता है उसके मास्क पर वो अटैक लगता है, और उसका मास्क आधा टूट जाता है, और सरप्राइजली उसका मास्क टूट के नीचे गिरता है और उसका चेहरा सबको दिख जाता है। जिससे कि जो उसके टीममेट्स होते हैं वो बोलते हैं कि आज मतलब गवर्नमेंट को अगर हम ये बात बता दें कि किंग कैसा दिखता है, मतलब ऐसा उसका चेहरा है, तो हमें 100 मिलियन डेरीज का रिवॉर्ड है। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ से निकलते हैं और चुपचाप जाकर गवर्नमेंट को बता के अपना पैसा लेके ऐसा आराम की ज़िंदगी जियेंगे बोलते हैं। बट वो बात हमारा किंग सुन लेता है, और फिर उनको वहीं पर चला के मार देता है उसके अटैक से, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि जो भी उसका चेहरा देखे वो अगले दिन जिंदा रहे। और उसके जो क्रू मेंबर्स थे उन्होंने उसको बिट्रेट करा देखे उसे और गुस्सा है, उनको वहीं पर जिंदा जला दिया उसने। उसका मास्क तोड़ दिया था। दोस्त हमारा जो किंग है वो बाकी सबको मारने के बाद बोल अपने जो कैसल है उसमें आग लगा लेता है, और वो बोलता है कि कैसल में तो आग लगी गई है, तुम्हें मार के मैं इधर ही दफना के जला दूंगा, कि तुम जो आखिरी पर्सन बचो जिसने मेरा चेहरा देखा है वो भी मर जाए यहीं पर। बट हमारा जोरो बोलता है कि मैंने तुम्हारा मास्क तक कट कर दिया, तो क्या गारंटी कि मैं तुम्हें कट नहीं करूँगा। यह सुनने के बाद दोनों के अंदर फिर से बहुत घमासान फाइट हो जाती है, और बहुत यूनिक सा पावर नए नए चीज़ें देखने को मिलती है हमारे किंग और हमारे जोरो के बीच में। उसी बीच में थोड़ी देर के लिए हमारा किंग का पार्ट मतलब जो पावर है वो बहुत हैवी पड़ जाता है हमारे जोरो के ऊपर। जोरो पिटता रहता है 2-3 फाइट्स तक भी। हाँ पिटेगा भाई, अब किंग के साथ लड़ रहा है, थोड़ा उसका एनर्जी रिकवरी करने के लिए भी टाइम लगता है जोरो को, क्योंकि ये तो पहली बार उसने करा है। तो थोड़े दिन के बाद पिटने के बाद फिर हमारा जोरो भी रेस में आ जाता है, फिर जोरो पिटने लगता है हमारे किंग को। मतलब दोनों के अंदर पूरी बॉटम टू बॉटम फाइट चलती रहती है। बीच में हमारा किंग बोलता है कि तुम मुझे हराने का एबिलिटी तो रखते हो, बट तुम बायोलॉजिकली वीक हो मुझे हराने के लिए। यह सुन के हमारा जोरो रेज में आ जाता है, और उसके ऊपर एक और एक अटैक करता है उसके फेस के ऊपर, जिससे कि उसके फेस के ऊपर बहुत गंदा डैमेज पड़ता है किंग का। और किंग सोचता है कि इसने तो मेरे को डैमेज दे दिया, और वो उसके बाद वो सोचता है कि मुझे सिर्फ हराने का एक जन को ही हक है, जो कि है काइडो। बेसिकली वो उसका मास्टर रहता है, और वो बोलते हैं कि उसके बाद मुझे आज तक कोई हरा नहीं सकता है, तो ये बात तुम समझ लो, और तुम्हें यहाँ पर मरना होगा अनफॉर्चुनेटली। बट हमारा जो जोरो है वो तो उसको 2 हिट दे चुका होता है फेस में, जिससे कि उसका पावर्स बहुत वीक हो गए होते हैं। फिर दोनों के अंदर बहुत डेडली फाइट होता है, जिसमें कि हमारा जोरो है वो भी गंदी तरह एग्जॉस्ट हो जाता है फिर से, और ट्राई करता है कि थोड़ा वो मूव ऑन करता है, पीछे पीछे जाता रहे, जिससे कि मतलब वो रिकवरी करने का टाइम मिले। और वो बोलता है कि मैंने भी अपने दोस्त को एक कैप्टन को और एक बेस्ट फ्रेंड को प्रॉमिस करा है कि मैं तुम्हें हरा के उनके पास रिटर्न जाऊंगा, और हम मिल के किंग ऑफ द पायरेट्स और किंग ऑफ द हेल बनेंगे, मतलब बेस्ट स्वॉर्डमैन बनेंगे। और ये सुनने के बाद वो भी थोड़ा हमारा जो किंग है इमोशनल हो जाता है, और बैक हमें वहाँ पर एक बैक इमेज देखने को मिलता है कि जब वो छोटा था, जब वो मरीन के अंडर में था, मतलब कैसे किडनैप था नहीं, मतलब अरेस्ट था, तो उसे कैसे दिन रात हमेशा 24 घंटे आग के अंदर ऐसे एक भट्टी के अंदर रखा जाता है, क्योंकि वो उसके पावर्स तब तक यूज़ ऐसे अच्छे से करना नहीं जानता था, तो उसे फायर के अंदर इसलिए रखा जाता था कि वो अपना पावर्स यूज़ ना कर पाए, और उसे वहाँ पर बहुत तकलीफ होती थी। बट एक दिन काइडो आता है वहाँ पर और इसे बचा लेता है, जिससे कि
हमारा जो काइडो है वो ऐसे उसे अपने बच्चे की तरह रखता है और उसे बहुत मतलब बहुत खुश रखता है, जिससे कि हमारे जो किंग और काइडो के अंदर एक बॉन्ड बन जाता है बहुत अच्छा सा। और हमारा जो काइडो है वहीं पर बोलता है कि मैं तुम्हें किंग ऑफ द पायरेट्स बनाऊंगा और उसके बाद ही मरूंगा। बट अनफॉर्चुनेटली ये बात नहीं होता, क्योंकि काइडो तो मर जाता है। और अभी हमारा ऐसा सिचुएशन है कि आइदर जोरो मरेगा आइदर किंग मरेगा। फिर यही सोचते सोचते हमारा जो किंग है वो रियलिटी में आ जाता है, और फिर वो जब देखता है तो अपने आप को थोड़ा वीक पाता है और वो सोचता है कि मैं ऐसे तो नहीं मरने वाला हूँ। और वो बोलता है कि अभी मेरा जो अटैक होगा वो इतना ख़तरनाक होगा कि तुम जोरो मेल्ट हो जाओगे। और वो अटैक करना चालू करता है और रियली वो उसका जो फ्लेम्स रहता है ना वो अभी लावा में कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब जब भी वो जोरो की स्किन को छूते हैं जोरो की स्किन जल जाती है लिटरली। तो वो पूरा लावा फॉर्म कर देता है अपने पावर के रेज से। और ये हमारा जोरो है थोड़ा संभल संभल के उसके साथ लड़ता रहता है, क्योंकि उसे तो जैसे तैसे करके किंग को तो हराना ही है, क्योंकि उसके दोस्त वहाँ पर वेट कर रहे हैं। और अभी तो और एक मेन फाइट बाकी है इस सीन का, जिसमें तो हमें पता है कि जोरो तो मरने वाला है नहीं। तो जोरो जैसे जैसे डॉच करता है उसको फ्लेम, क्योंकि उसके पास भी 3 स्वॉर्ड आर्ट रहता है, तो वो लावा को काट तो सकता था बट वो ज़्यादा देर लावा के साथ खेल नहीं सकता था, क्योंकि अगर वो खेलता तो उसके स्वॉर्ड और उसकी स्किन दोनों जल जाती तो मेल्ट हो जाती। तब उसे जैसे तैसे करके उसके वो वाला अटैक को भी डॉच करा और फिर दोनों तो उसके पास आ गया, जैसे कि वो लॉन्ग रेंज अटैक ना कर पाए। और फिर से दोनों के अंदर फाइट होती है, बट हमारा जो किंग है इस बार बहुत रेज में आता है और वो एक फाइनल अटैक करता है जो कि गांड फाड़ू होता है। तुम लोग अगर वीडियो में डाल दूंगा देख लेना, एंड में है शायद, एंड तक है तो स्किप करके भी चाहे तो देख सकते हो पहले, उसके बाद आप एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हो। तो जो अटैक रहता है लिटरली वो उसका जीवन का जितनी एनर्जी थी ना उसने वहाँ पर कन्वर्ट कर दी। और वो उसने जो अल्टीमेट फ्लेम ड्रैगन वाला अटैक करा है ना, तुम्हारे गूज़बम्स आ जाएंगे। मैं तो देख के भाई मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। और उस अटैक को हमारे जोरो ने ऐसा हैंडल करा है जैसे कि भाई वो किसी बच्चे को हैंडल करते हैं ना ऐसे नर्सरी में, वैसे हैंडल करा। बट उसके लिए भी वो बहुत टफ था, क्योंकि हमारा जोरो भी एक लास्ट फॉर्म तक आ गया था, क्योंकि इसके बाद अगर वो और एक अटैक भी करना चाहे तो वो नहीं कर सकता था। तो उसने भी अपनी पूरी जीत जान लगा दी उसमें और उसको डॉच करा। और एंड में वो दोनों जब क्लैश करे तो बहुत जोर का मतलब एक्सप्लोजन हुआ और वहाँ पर जितने पत्थर थे जितने आइलैंड्स थे उड़ते हुए सारे चकनाचूर हो गए एक टाइम पे। और हमें एंड में जब वो धुआं उठा तो हमें पता चला कि जोरो ने किंग का एक विंग काट दिया है और जोरो ने और किंग को डिफीट भी कर दिया है, उसे मार डाला है। और किंग भी वहीं पर डिफीट हो जाता है और वो जब गिरता रहता है नीचे तो वो बोलता है कि मेरा जो ड्रीम था तुम्हें काइडो जो किंग ऑफ द पायरेट्स बनाने का वो नहीं हो पाया पूरा, मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं अगले जन्म में तुम्हें पक्का साथ दूंगा इस जर्नी में। और यही देखने के बाद हमारा जो जोरो है वो बोलता है कि मैंने तुम्हें हरा दिया किंग, अब क्या मैं अपने आप को किंग ऑफ द हेल बुलाऊँ क्या? मतलब वो बहुत रेज में होता है और वो ऐसे बोलता है। उसके बाद वो आगे बढ़ता है हमारे मेन फाइट की तरफ। और यही में हमारा जैसे डेली का रहता है हमारे वन पीस का इंटेंस सीन में ही टू बी कंटिन्यूड। तो यही एपिसोड यहाँ ख़त्म होता है और मैं फाइट सीन डाल दूंगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा फाइट सीन भी तो एक्सप्लेन करने का कुछ था नहीं। तो होप आपको ये अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए था बस इतना ही। लाइक शेयर कमेंट। बाय बाय, टेक केयर, पीस आउट।